दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग लिटरेरी क्रिटिसिज्म की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। यानी इससे पहले हम लोगों ने एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स को देखा था, आज की इस वीडियो में हम लोग लंजाइनस को देखेंगे। लंजाइनस ने एक वर्क लिखा था। लंजाइनस दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये ग्रीक फिलोसोफर था रोमन टाइम का, ये एरिस्टोटल और प्लेटो के बाद का था। और दोस्तों इसने एक वर्क लिखा था ऑन द सबलाइम। दोस्तों ऑन द सबलाइम जो वर्क है ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म में दूसरा सबसे बड़ा वर्क माना जाता है। पहला पॉलिटिक्स, उसके बाद में पॉलिटिक्स के बाद में सबसे बड़ा वर्क इसको माना जाता है। दोस्तों लंजाइनस को फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक भी कहा जाता है। किसने इनको फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक कहा था वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों पिछली वीडियो तक हम लोगों ने लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स को डिस्कस किया था। उसके बाद में, उस वर्क के बाद में ग्रीक लैंग्वेज में अगर कोई सबसे बड़ा वर्क लिखा हुआ है तो वो दोस्तों कैसियस लंजाइनस ने लिखा है, ऑन द सबलाइम। इस वर्क का नाम याद कर लेना, ऑन द सबलाइम माना जाता है इसको, कैसियस लंजाइनस ने लिखा था। लेकिन ये एग्जैक्टली नहीं पता कि इसको लिखा किसने था। कैसियस लंजाइनस तो 3rd century का था और माना जाता है इस वर्क को 1st century में लिखा गया था। लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि इस वर्क को कैसियस लंजाइनस ने लिखा होगा। अब कहानी को शुरू से शुरू करते हैं कि कहां से ये कहानी शुरू होती है। दरअसल इस वर्क ऑन द सबलाइम के राइटर लंजाइनस के बारे में ठीक से किसी को भी नहीं पता। इटली के एक राइटर थे, एक क्रिटिक थे, रॉबर्ट टलो। उन्होंने 1554 में ऑन द सबलाइम नाम का ये वर्क प्रेजेंट किया मॉडर्न रीडर्स के सामने और कहा कि इस बुक को लंजाइनस ने लिखा है। उसके बाद बहुत सी रिसर्च के बाद में ये तय किया गया कि लंजाइनस जो है वो 1st century का कोई ऑथर रहा होगा, उसने लिखा होगा। जिस लंजाइनस को हम जानते हैं कैसियस लंजाइनस, उसने इस वर्क को नहीं लिखा, लेकिन बाद में कैसियस लंजाइनस ने ही इस वर्क को लिखा है ये माना गया। तो अब ये माना जाता है कि इस बुक के राइटर हैं कैसियस लंजाइनस, जो कि 3rd century AD के फिलोसोफर थे। ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर लिखा हुआ एक बहुत बड़ा वर्क है और इसमें लंजाइनस कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में कुछ अच्छी और बुरी राइटिंग्स की तारीफ और बुराई करते हैं। और इस वर्क की राइटिंग को देखकर पता चलता है कि इसके राइटर लंजाइनस प्लेटो से बड़े इंस्पायर थे। दोस्तों इस बुक के राइटर लंजाइनस को फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक माना जाता है। इस वर्क को ओरिजिनली ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है और अनफॉर्चुनेटली इसका 1/3 part ख़त्म हो गया है। बाकी जो कुछ बचा हुआ है वो भी प्रॉपर अच्छी तरह से अच्छी कंडीशन में नहीं लिखा हुआ। लंजाइनस दोस्तों एरिस्टोटल और प्लेटो के बहुत बाद के थे, लेकिन ये ग्रीक थे जब इनके आसपास रोमन एम्पायर था, तब के ग्रीक थे ये। और ये प्लेटो और एरिस्टोटल के थॉट्स को अच्छे से जानते थे कि पोएट्री का भी अपना ही एक अलग मज़ा है। लंजाइनस हॉरेस और हॉमर दोनों के थॉट्स को समझते थे। इन सब को समझने के बावजूद, इन सब को अच्छे से स्टडी करने के बावजूद इनके सबसे अलग थॉट्स थे, ख़ास करके एरिस्टोटल और प्लेटो से बहुत ही अलग थॉट थे। ये मानते थे कि ग्रेट लिटरेचर का काम सिर्फ लेक्चर देने का या मज़ा देने का नहीं होता, या फिर ग्रेट लिटरेचर का काम सिर्फ थॉट्स को शेप देना नहीं होता, और भी बहुत कुछ करता है ग्रेट लिटरेचर। आगे बताते हैं लंजाइनस। इस मामले में वो प्लेटो के थॉट्स को हवा देते हैं और कहते हैं कि एक ग्रेट लिटरेचर किसी ना किसी चीज़ से इंस्पिरेशन लेकर पैदा होता है। एक ग्रेट लिटरेचर को किसी ना किसी चीज़ से इंस्पिरेशन चाहिए होती है, और वो अच्छा लिटरेचर पैदा होने के बाद में एक्सट्रीम हैप्पीनेस देता है सबको। कोई भी पढ़ने वाला हो ये मायने नहीं रखता, बस ये ज़रूरी है कि वो अच्छा लिटरेचर होना चाहिए, वो सबको हैप्पीनेस देगा। ये फ़र्क नहीं पड़ता वो कोई भी हो, अच्छा लिटरेचर सुनने और पढ़ने वाले के थॉट्स को ऊपर उठाता है। अच्छे लिटरेचर को पढ़ते हुए उसको पढ़ने वाला उसमें एकदम खो जाता है, उसे कुछ और दिखाई नहीं देता, वो एक्सट्रीमली ऊपर उठ जाता है वो लिटरेचर को पढ़ने के बाद में। उसके थॉट्स ऊपर उठ जाते हैं और इसी ऊपर उठने को बोलते हैं दोस्तों सबलाइम, या फिर सब्लिमेटी बोल लो। अब ये सबलाइम दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में तो वर्ड्स की भड़कीली और बनावटी टाइप की लैंग्वेज होती है, बिना मतलब की चीज़ें डाली जाती है जिनका कोई मतलब नहीं है, जैसा कि लिटरेचर लंजाइनस के टाइम पर लिखा जा रहा था। वो अपने टाइम के लिटरेचर की बात कर रहे हैं, अपने टाइम के लिटरेचर को बोल रहे हैं कि इस। और दूसरा टाइप का होता है नेचुरल, जो सबको एक्सट्रीम हैप्पीनेस देता है। अब यहाँ पर नेचुरल टाइप का सबलाइम लिखने के लिए क्या वो बताते हैं,
इसके लिए लंजाइनस ने पोएट्स को कहा है कि आप आर्ट की टेक्निक की भी प्रैक्टिस करो, यानी कि नेचर अपनी जगह है, नेचर तुम्हारी तरह आर्ट का काम नहीं कर सकता, नेचर सिर्फ तुम्हें चीज़ें दे सकता है जिससे तुम आर्ट को खुद जन्म दो, आर्ट को तुम्हें बनाना है। और इसी के साथ लंजाइनस उन पोएट्स को बोलते हैं कि तुम बनावटीपन वाले वर्ड्स और बिना मतलब की फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करने से बचो। ठीक ठाक प्रिंसिपल्स दिए हैं लंजाइनस ने, ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर स्कॉट जेम्स ने लंजाइनस को फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक कहा है। अब यहाँ पर बहुत ही नोट करने वाली बात, यहाँ पर लंजाइनस सबलाइम के 5 सोर्स बताते हैं। लंजाइनस के हिसाब से आर्ट में तो नेचर दिखना चाहिए और नेचर में आर्ट। अब ये 5 सोर्स कौन से हैं? पहला सोर्स है बेस्ट थॉट्स, दूसरा है स्ट्रांग पैशन, तीसरा है फिगर ऑफ स्पीच का ठीक तरह से यूज़, चौथा है लैंग्वेज का ठीक टाइप से अरेंजमेंट, मतलब लैंग्वेज में नोबल डिक्शन भी शामिल करना चाहिए, फिफ्थ है एक बुलंद डिग्निफाइड रिदम। ये 5 सोर्स हैं सबलाइम के कि क्रिएशन करने वाले की अगर थॉट्स बेस्ट होंगे तो वो बेस्ट क्रिएशन कर सकेगा। एक बेस्ट क्रिएशन करने वाले को बेस्ट लाइफ जीनी चाहिए, जैसे लेवल पर आदमी जिएगा वैसा ही लिखेगा, छोटे लेवल पे जिएगा तो छोटा ही लिखेगा। दूसरा, स्ट्रांग पैशंस का होना भी बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं है तो आदमी अच्छी क्रिएशन नहीं कर सकता, और स्ट्रांग पैशंस भी नेचुरल होने चाहिए, बनावटी नहीं। और फिगर ऑफ स्पीच का ठीक से यूज़ करना चाहिए, जब चाहा तब इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, नेचुरली इसका यूज़ करना चाहिए, ऐसे नहीं लगना चाहिए पढ़ने वाले को कि ये दिखावे के लिए इसका यूज़ किया गया है, फिगर ऑफ स्पीच को दिखावे के लिए डाला गया है, ऐसा लगना चाहिए ये क्रिएशन का हिस्सा है। ये सब पढ़ने के बाद लंजाइनस के थॉट्स को एवेल्युएट किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि वो एक ग्रेट वेस्टर्न मॉरल थिंकर थे। उन्होंने लिटरेचर में एक नए टाइप की आइडियोलॉजी को जन्म दिया जिसके बारे में एरिस्टोटल और प्लेटो ने कभी सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने रोमांटिक आइडियोलॉजी को जन्म दिया, मतलब वो पहले रोमांटिक रिव्यूअर थे जिन्होंने बताया था कि लिटरेचर सिर्फ एंटरटेनमेंट या फिर थॉट्स में बदलाव नहीं लाता बल्कि पढ़ने वाले को सबलाइम यानी कि ऊंचा उठाता है। लंजाइनस पहला आदमी था जिसने लिटरेचर में इमेजिनेशन को पहचाना। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ पॉइंट्स को नोट कर लेना जो काम आ सकते हैं। सबसे पहले तो पॉइंट्स को पहली बार इमेजिनेशन का मतलब बताया था लंजाइनस ने। दूसरा, स्कॉट जेम्स ने लंजाइनस को फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक बोला है। तीसरा, लंजाइनस पर एरिस्टोटल से ज़्यादा प्लेटो का इन्फ्लुएंस था। एरिस्टोटल के बाद लंजाइनस ही ग्रीक्स में सबसे ग्रेट क्रिटिक माना जाता है। नेक्स्ट, लंजाइनस के हिसाब से सबलाइम एक क्वालिटी है जिसको ना तो कैलकुलेट किया जा सकता है, ना कॉपी किया जा सकता है, ना नापा जा सकता है। और अगला पॉइंट कि इस वर्क को लंजाइनस ने पॉस्टिमियस टैलेंटियनस को डेडिकेट किया है, जो कि एंशियंट रोम में एक पब्लिक फिगर था, उसको डेडिकेट किया है अपना ये वर्क ऑन द सबलाइम। और इस वर्क में रफली उन्होंने 50 ऑथर्स के वर्क्स को शामिल किया है, इंक्लूडिंग होमर। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस वर्क में लंजाइनस ने फर्स्ट बुक जो थी बाइबल की, जेनेसिस नाम था फर्स्ट बुक का, बाइबल की फर्स्ट बुक जो थी उसको भी मेंशन किया है। और अलेक्जेंडर पोप ने अपने एसे ऑन क्रिटिसिज्म में लंजाइनस की तारीफ में कुछ लाइनें लिखी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।